देखिए, मैं मानता हूँ कि मैं जब भी फैसला करता हूँ कोई फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी, तो उसके टाइटल से मुझे क्या पता चलता है उस फिल्म के बारे में, उस पर मैं डिसाइड करता हूँ। और अगर उस टाइटल से मुझे कुछ भी पता ना चले ये फिल्म क्या होने वाली है, तो मेरी दिलचस्पी और बढ़ती है, मेरी उत्सुकता और बढ़ती है। तो मेरे ख्याल से ये टाइटल ऐसा है कि ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को जगाएगा कि ये है क्या, चार्ली कौन है। एक्चुअली चार्ली कोई इंसान नहीं है, वो दूसरा ही एक रिलेशन है उसका। तो मेरे ख्याल से ये कामयाब टाइटल कहा जा सकता है। इट्स अ जी हाँ, इट्स अ हू डन इट, और इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को दिखाया गया है, जो कि काफ़ी एक अनयूजुअल चीज़ है हिंदी फिल्मों में। कभी भी नहीं दिखाते हिंदी फिल्मों में कि प्यार कैसे होता है, बस एक दिन हो जाता है हमेशा। और इसी तरह थ्रिलर्स भी जो बनाए जाते हैं उसमें जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उसके बारे में कभी ध्यान नहीं दी जाती, वो बस सॉल्व हो जाता है यूं ही। इसमें ख़ास बात यह है इस फिल्म में कि इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को काफ़ी जो फिल्म का जो असली हिस्सा है वो उसके बारे में।